So viewers, keep watching City Buzz. So viewers, keep watching City Buzz. Assalamualaikum नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त राजा कामरान, और हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे इवेंट लेकर आएँ। इसी तरह कि मैं एक और इवेंट में मौजूद हूँ, और ये इवेंट जो है वो ब्राइडल इवेंट, यानी कि हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि सिटी में होने वाले जितने भी इवेंट्स जो होते हैं वो हम आप तक ले करें और आपको घर बैठे जो है हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें। तो इसी तरह कि आज हम एक इवेंट पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और लोगों के क्या व्यूज़ हैं, और वो स्पेशली ब्यूटिशियंस के वो क्या ब्यूटी टिप्स देना चाहती हैं आपको। सो देखते रहिएगा सिटी बस प्रोग्राम राजा कामरान के साथ। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या कहना चाहोगी आज के इस इवेंट के हवाले से, और कैसे देख रही हो आज के इस इवेंट को? मेरा तो फर्स्ट है, मतलब एक्सपीरियंस है, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन पार्टी मेकअप के हवाले से मैं आई हूँ। ब्राइडल तो अभी आपने देखा कौन थी, और होप सो एंजॉय करूँगी। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स को आज के इस इवेंट के हवाले से? इंजॉय कीजिएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ किस क्लास की स्टूडेंट हो? मैं सेवंथ की हूँ। तो मुझे बताओ क्या कहना चाहोगी आज के इस इवेंट के हवाले से? शो अच्छा है, इंजॉयमेंट हो रही है, हम भी अभी आए हैं, अच्छा है शो, लोग अच्छे हैं सारे यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को आज के इवेंट के हवाले से? कि ज़रूर ये जो नहीं आ सके वो भी आए, ज़रूर देखें, आप लोगों के इंटेलिजेंस में जो जो करना चाहते हैं कोर्स वगैरह वो भी आके यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है, और हाँ इंफॉर्मेटिव है और अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ब्यूटी टिप, ब्यूटी जो है अंदर से आपकी आती है, ठीक है, किसी चीज़ों के लगाने से या यूज़ करने से नहीं आती। इंटरटेनमेंट के हवाले से तो ब्यूटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है कि बिजी शेड्यूल में इतना अच्छा है, इन लोगों ने हमारे लिए फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, और दूसरा ये कि अवार्ड भी है कि अच्छे लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अवार्ड दे रहे हैं, तो दैट्स वेरी ग्रेट कि ऐसा होना चाहिए कि सीनियर्स को अवार्ड्स मिलने चाहिए, उनको इज्जत अफजाई हमें देनी चाहिए ना। जो आज भी मैं यहाँ पर बहुत सारी बच्चियों को देख रही हूँ कि बहुत ओवर मेकअप्स, और मेरे ख्याल में सेल्फ ग्रूमिंग की सबको बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छी बात थोड़ा हटके है, डिफरेंट है, और मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं सारे। क्या गुनगुनाओगे, थोड़ा सा गुनगुना के कुछ सुना दो। बातें ये कभी ना तू भूल ना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। अरे माँ सबके जय जी, नाजरी इनकी खातिर कोई जी रहा है और ये उनकी खातिर जी रहे हैं, तो अब ये नहीं पता होगा और नहीं पता होगा भाई। बहुत अच्छा इवेंट है, बड़ा मज़ा आ रहा है, आज हमें भी मौका मिला आज मज़ा करने का, तो हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा इवेंट है। अच्छा, कोई ब्यूटी टिप दे दें हमारे व्यूवर्स को जो किस वक्त आपको देख रहे हैं? खुश रहें और सबको खुश रखें। जी, खुश रखें और अपने खर्चे पे खुश रहे। चले जी, नाजरी पे खुश रखें। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पर्सनली, जो इन लोगों ने इस शो को उस तरह से प्लान किया, उस तरह से डिज़ाइन किया कि लोगों को एक एंटरटेनमेंट भी मिले और लोगों को एक अवेयरनेस भी मिले। कामरान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया रोज़ टीवी का और खुसूसन आपका कि आप तशरीफ़ लाए, और आप हमेशा कवरेज देते हैं हमारे इवेंट्स को। आज का इवेंट बेसिकली अवार्ड शो था, जो हमारे ब्यूटिशियंस पिंडी इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं और बड़े अरसे से, और बड़ी खिदमात है इन लोगों की। मैं अपनी बहनों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब, असल में हमारे जितने इवेंट्स होते हैं, मेरी पर्सनल कोशिश ही होती है कि ब्यूटिशियन के लिए डिफरेंट करके और अच्छे से अच्छा करूं। मैंने क्योंकि क्लासें पूरा साल बहुत ज़्यादा हुई थी, मैंने थोड़ा सा हटके किया कि ब्यूटिशियन के लिए थोड़ा सा एक दिन उनके अपने लिए हो, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताओ क्या कहना चाहोगी आज के इस इवेंट के हवाले से? आपका पसंदीदा इवेंट है सजना सवरने के हवाले से? आज का इवेंट बहुत ज़बरदस्त है, मैंने इसको बहुत इंजॉय किया, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त इवेंट है, ऐसे इवेंट होने चाहिए, इंसान इंटरटेनमेंट होती है इंसान की, और हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया, और वैसे भी हम इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, और बहुत अच्छा आज का इवेंट था, और इस पाकिस्तान में ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए कि एक तो फुल इंजॉयमेंट है, इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, और फिजिकली भी जो थोड़े से लोग एब्सर्ट होते हैं, और मेंटली भी जो एब्सर्ट होते हैं उससे भी थोड़े से वो उनको रिलैक्सेशन मिल जाती है। जी नाती, ये तो था इनका कहना कि घरों से बाहर निकला करें ताकि आप लोग जो हैं वो रिलैक्स फील कर सकें, और मेरे ख्याल से यही होना चाहिए ताकि आप लोग जो हैं वो अपनी ज़ात के लिए भी टाइम निकालें। तो देखते रहिएगा सिटी बस प्रोग्राम राजा कामरान के साथ। चलो कि प्यारा सा गाना गुनगुना दो।
प्यारा सा गाना, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। पहले जिनाब जी, आप ये जानती हैं कि उनके बगैर जीती हैं या वो इनके बगैर जीती हैं, तो इसी बड़े मौजूद हम लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे, तो देखते रहिएगा सिटी बस प्रोग्राम राजा का अवराज के साथ। सनू प्यार दिया नशियां ते लाके, तू हुण साडा जानू नहीं उबणदा, हक चंगे भले हासे साडी जिंदगी बचा के, तू हुण साडा जानू नहीं उबणदा। इवेंट के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, न्यू जो जनरेशन है उनको अवेयरनेस मिलती है कि हमारे ब्यूटिशियंस क्या टेक्निक्स नहीं लेके आ रही हैं, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई ब्यूटी टिप प्यारी सी। ब्यूटी टिप प्यारी सी, पानी बहुत ज़्यादा पिए, जूसेस लें, फ्रूट्स वगैरह खाएँ, इससे स्किन बहुत अच्छी होती है। मौजूद है सिंधी कल्चरल इवेंट में, और आप देख रहे होंगे मेरे इर्द गिर्द जो है वो एक इनका सिंधी डांस जो है वो चल रहा है, स्पेशली डांस, और आप लोगों को हम इसी किस्म के इवेंट दिखाते हैं और मैं भी डांस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस इवेंट में मौजूद हम और लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे, तो देखते रहिएगा सिटी बस प्रोग्राम राजा का अवराज के साथ। पाकिस्तान के कल्चर, चाहे वो पंजाब का हो, सिंध का हो, बलोच का हो, चाहे वो पंजाबी हो, कुछ भी हो, यानी कि उस कल्चर को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, वो हमारा कल्चर है, हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन एवरी वेयर आउट ऑफ द वर्ल्ड, सो डैट्स वाई हमारे साथ इस वक्त स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे वो क्या कहना चाहेंगे आज के इस कल्चरल इवेंट का हिस्सा बनकर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या करती हैं? मैं बीबीए पढ़ती हूँ। बीबीए करती हैं, तो मुझे ये बताएं पढ़ाई के साथ जब इस किस्म के कल्चरल इवेंट्स होते हैं तो कैसा लगता है बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट? जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे कल्चरल शोज़ का पार्ट बन के, और कल्चर आगे शो करके अपना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताएं हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस इवेंट के हवाले? देखने वालों को यही इवेंट देना चाहूँगी कि आम खाएं, वैसे भी गर्मियाँ आए नाज़रीन, आम आपको खाने चाहिए क्योंकि आम यानी कि सौगात है गर्मियों की, सो आप क्या, आप कोई और मैसेज दे दें कुछ भी, या कोई सम स्पेशल कोई गाना, सिंधी गाना गुनगुनाना चाहें? नहीं, बस लतीफ़ के बारे में ही कहना चाहूँगी कि अयो लतीफ़ जैसा अब नगरी लतीफ़ जिया, अज पाड़ अयो कितने या महफिल लतीफ़ जिया। हाँ क्या बात है। अच्छा नाजी, मुझे थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पे, मुझे सिंधी इतने ज़्यादा समझ नहीं आती, बट आई होप सो इन्होंने अच्छी बात की होगी। नाजी मेरे साथ देख रहे होंगे सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए स्टूडेंट्स हैं, और उनसे हम पूछेंगे ये क्या कहना चाहेंगे, और हमसे ये भी पूछेंगे कि ये किस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे तो हम सब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने यहाँ पर मौजूद हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? और आप? अल्लाह का शुक्र। और आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप चले जी नाजी, ये बिल्कुल ठीक है, और ये अल्लाह का शुक्र है, और ये भी अल्लाह का शुक्र है, और मैं जी अल्लाह की फजीलत है मेरे ऊपर। तो मुझे ये बताएं क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कल्चरल इवेंट, और कैसे देखती हैं इस किस्म के कल्चरल इवेंट्स को? होने चाहिए ऐसे इवेंट, बहुत अच्छा होता है, और हमने बहुत मेहनत की थी इस इवेंट के लिए, और हमें उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा। सबको अच्छा लगा होगा नहीं नाजरीन, ये तो आप हमें बताएंगे, बाकी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हमने आपको अंदर वाला जो उनका स्पेशली डांस जो होता है इलाकाई डांस वो भी हमने आपको दिखाया, और उसमें मैं भी शामिल था शुरू में, आपने देखा होगा, तो आप क्या कहना चाहोगे? इट वाज नाइस इवेंट। मैं एक्चुअली सर सिंधी में बोलोगे? सिंधी में मैं तो सरहद से बिलोंग करती हूँ। चलिए सरहद से हम यहाँ पे किसी और को ढूंढते जो सिंधी में हमारे से थोड़ी सी बातचीत करें, इनसे पूछते हैं भाईजान से, भाईजान कुछ बोले सिंधी में हमारे भाइयों को। जी सिंधी में यही चवण चाहियां तो सिंध जो का सुफिन जो शहर आ, सुफिन जो सरहद आ, सुफिन जो एरिया है, ऐं सिंध जो हिते अचण जो इहो मक़सदु आहे त सिर्फ़ु सिंध ताईं महदूदु न आहे, असांखे पूरे पाकिस्तान खे गॾु खणी हलणो आहे, पूरे सिंध खे गॾु खणी हलणो आहे, ऐं सिंध हिकिड़ो सुफिन जो शहर आहे,
ऐं शाह लतीफ चयो आहे कख सड़न पन सड़न सड़े साओ गाह जनरी जायो अलाह ता उन चेतन के तन इहो ई मक़सदु आहे त अलाह खे राज़ी कयो ऐं सिंध खे गॾु खणी हलो सुफ़ियाज़म खे गॾु खणी हलो असां प्रिस्टन यूनिवर्सिटी जे तरफ़ां आहियूं ऐं असां सिंध खां आहियूं प्रिस्टन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मेहराण स्टूडेंट फेडरेशन जे तरफ़ां आहियूं ऐं हीउ प्रोग्राम करण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो त सिंध खे गॾु खणी हलो ऐं पंहिंजो जेको पाकिस्तान जा जेके सूफ़ीज़ आहिनि सभिनी खे गॾु खणी हलो गाना और सकाफ़ती गाना ठीक है तो इनसे पूछते हैं गाने गुनगुना लेते हो हाँ वैसे तो गाना मैं गुनगुना चलो फिर अपनी जुबान में ना अपने इलाके का गाना सुनाओ चलो मुझे को दियो जलायो मुझे को दियो जलायो जोर के दो हवा लगायो मुझे को दियो जलायो तोखे चाहियो था तोखे चाहियो था तोखे चाहियो था तोखे चाहियो था बैस न ते करण अजायो आ पहली बात तो ये है कि ये जो अभी फंक्शन हमने देखा सिंध के हवाले से था बट लेट मी टेल यू कि ये इतना मुझे अच्छा लगा क्योंकि सिंध इज़ हमारे मुल्क के उन कल्चरों में से है विच इज़ द मदर ऑफ़ आवर कल्चर्स जिसे मैं कहूँगा वहाँ से स्टार्ट हुआ और सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्टूडेंट्स इन्होंने परफॉर्म किया मैं ख़ुद एक उस्ताद हूँ तो अगर इन में ये एक शहूर उजागर हो जाता है तो आई थिंक पाकिस्तान का एक फ्यूचर बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोशन है और अगर हम अपने इन रूट्स को नहीं सामने लाएंगे नहीं बताएंगे जिंदा भी रख जिंदा फिर हम किसी मुल्क किसी जगह में नहीं हो सकते तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि हम इसको उजागर कर रहे हैं उसको कर रहे हैं गाने भी गाए मसी हंसी मजाक भी सारी चीज़ें उसमें आपने इस कल्चर को उजागर किया और करना चाहिए और मैं इनको बहुत एक खराज तहसीन पेश करता हूँ तो माशाल्लाह से हमारे कल्चर से वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी सबको यही कहूँगी कि जो सिंधी हैं बाकी के जो कल्चर भी हैं वो सारे हमेशा इस तरह अपना कल्चर प्रमोट करते रहें और साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि कल्चर के साथ साथ ना जो अपनी और चीज़ें हैं उनको जल्द से दोहरा दिए जाएँ ताकि जो भी कल्चर्स हैं वो सारे आगे बढ़ सकें और हर कल्चर की अपनी अपनी वैल्यू होती है अपने ट्रेडिशंस होते हैं नाम्स होते हैं वैल्यूज़ होते हैं बिलीव्स होते हैं तो इन सब पर तोजा दी जाए कोई प्यारा सा गाना गुनगुना दें सिंधी जुबान सिंधी सॉन्ग तो मुझे कम आते क्योंकि मैं कम ही सुनती हूँ कोई भी और सुना सुना देती हूँ एक सिंधी सॉन्ग जीअं सिंध जीअं सिंधु वारा जीअं सिंधी टोपी अजरक वारा जीअनि रहे सदा सिंधुअ जी झोली मारोड़नि जी मिठड़ी बो गली गली ऐं घर घर कूंजनि सिंध अमर जा नारा 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 हर साल इसी महीने में या किसी दूसरे महीने मंथ में हम अपना कल्चर सेलिब्रेट करते हैं और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को ट्रिब्यूट पेश करते हैं जी गाना मुझे जो एक बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सारे इवेंट्स में सुना है मैंने वो गुनगुना देता हूँ रहे सदा सिंधो जी झोली माणुअण से मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजण सिंध अमर जा नारा 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 क्या बात है जी नाजरीन चले जी इसी बड़े मौजूद हम लोग से बातचीत करेंगे वो क्या कहना चाहेंगे तो देखते रहिएगा सिटी बस प्रोग्राम राजा कामरान के साथ इट्स अ वेरी गुड शो इस तरह के शोज होने चाहिए इस्लामाबाद में क्योंकि सिंध से दूर है कि जब इस्लामाबाद में हम सिंधी होते हैं तो हमें अपना एक जज्बाइत का एहसास होता है और लगता है कि हम आपस में एक हैं तो होने चाहिए इस तरह की और ये आने वाले हम जो यंगस्टर्स हैं वो इसमें भरपूर तरह से साथ देंगे हमारा और इस मैसेज को ये बेसिकली दिस इज द मैसेज ऑफ लव एंड द मैसेज ऑफ पीस बाय द वर्ल्ड लीडिंग पोएट हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आज का ये इवेंट जो है वो आपने एंजॉय किया होगा अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगा कीजिएगा हमारे एफबी आईडी पर www.facebook.com/citybus पर जाकर इसके अलावा अगर आपके पास भी किसी इवेंट की इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे इसी एफबी आईडी पर अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा राजा कामरान को दीजिए इजाजत टिल द नेक्स्ट इवेंट अल्लाह हाफिज़